हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राइंडर्स। ये ग्राइंडर्स क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने कर्सर के बारे में देख चुका है, अब देखेंगे ग्राइंडर। दी ग्राइंडर के डिफिनेशन की बात करें तो ग्राइंडर आपका जो है सॉलिड को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स अर्थात फाइन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। और कर्सिंग में क्या था ना, कर्सिंग आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता था और ये आपका फाइन पूरा पाउडर फॉर्म बना के देगा ग्राइंडर्स। ग्राइंडर्स की मदद से हम लोग इंटरमीडिएट पार्टिकल्स को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते थे, जबकि कर्सिंग में हम लोग जो है कोरस पार्टिकल्स को इंटरमीडिएट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते थे। ग्राइंडर्स में इंटरमीडिएट पार्टिकल्स को फाइन पार्टिकल्स अर्थात पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। ग्राइंडर्स में देखेंगे कि इंटरमीडिएट एंड फाइन पार्टिकल्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हैमर मिल्स है, रोलिंग कंप्रेसर मिल में जो है बॉल मिल आता है और रोलिंग मिल्स आता है। ये सारे ग्राइंडर्स के इक्विपमेंट हैं। इस इक्विपमेंट की वजह से ग्राइंडिंग किया जाता है। 3 नंबर में आता है एट्रिशन मिल, 4 में रिवॉल्विंग मिल। रिवॉल्विंग मिल के अंदर आता है रॉड मिल, बॉल मिल बोलिए या पेबल्स मिल बोलिए, बात सेम है, ट्यूब मिल्स। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स में हम लोग आते हैं, ये हो गया आपका हैमर मिल्स विथ इंटरनल क्लासिफिकेशन। हैमर मिल्स के इंटरनल यदि क्लासिफिकेशन कर दीजिएगा तो ये अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स हो जाता है। फ्लूड एनर्जी मिल हो गया, एजिटेटेड मिल हो गया। कटिंग मशीन की बात करें तो नाइफ कटर, डिशर्स, स्लिटर्स, ये सारे कटिंग मशीन्स हैं। इतने हैं हमारे पास ग्राइंडर्स। लेकिन डिप्लोमा के सिलेबस की बात करें तो हम लोग डिप्लोमा के सिलेबस में ये हैमर मिल देखेंगे, बॉल मिल देखेंगे, ठीक है, और ये दोनों डिप्लोमा के सिलेबस में आते हैं। बॉल मिल में हम लोग बात करें तो इसमें डेरिवेशन है एक क्रिटिकल स्पीड का, तो इसके डेरिवेशन को भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हैमर मिल को समझते हैं कि हैमर मिल क्या होता है, किस तरह इसमें ये वर्क करता है, डिफिनेशन क्या है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैमर मिल। हैमर मिल के डिफिनेशन की बात करें तो एक प्रकार का ग्राइंडर होता है, हमने अभी देख लिया है, जिसमें हम लोग जो है ना हैमर्स के द्वारा पार्टिकल्स को तोड़ते हैं, ब्रोक करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो ये इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट का मतलब हुआ मारना, किसी को ठोक ठोक के हैमर के प्रहार से जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपका, वो हो गया इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रहार करना। एट्रिशन का मतलब आप लोग गांव देहात से अगर बच्चे हैं, ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं, तो उसको सिलबट्टा पता होगा, जिस पे हम लोग मसाला बनाते हैं ना, इस प्रकार का होता है और इसके ऊपर जो है इस तरह का लोढ़ा होता है। नहीं तो इसके ऊपर जो मसाला को तैयार किया जाता है ना, रगड़ रगड़ के इसको आगे पीछे करके, वो मसाला जो तैयार हो रहा है ना, वो एट्रिशन की वजह से तैयार हो रहा है। एट्रिशन का मतलब होता है कि दो सबस्टांस के बीच में आप अपने फीड को डाल के उसको रगड़ रगड़ के तोड़ दीजिए, वो हो गया आपका एट्रिशन। ये इम्पैक्ट और एट्रिशन हो गया। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो हैमर मिल जो आपका है इसमें हाई स्पीड रोटर टर्निंग लगे हुए रहते हैं, और रोटर टर्निंग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और हैमर जो उसमें स्विंग करते रहता है। इसे हम लोग पिक्चर देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ से हम लोग समझेंगे अच्छा से। यहाँ से देखिए अप साइड से जो हम लोग यहाँ से फिट डालते हैं, और ये देखिए स्विंग, ये जो है आपका ये रोटर है, ये जो देख रहे हैं ये पूरा पूरा ये रोटर है, और इस रोटर में जो है आपका ये हैमर लगे हुए हैं। जब मेरे दोस्त ये रोटर घूमेगा ना तो ये हैमर भी मूव करेगा, हैमर भी घूमेगा। तो जब जैसे ही हम लोग ऊपर से फीड डालेंगे तो हैमर क्या करेगा, ये हैमर इस फीड के ऊपर प्रहार करेगा, इम्पैक्ट फोर्स लगाएगा। जैसे ही प्रहार करेगा ये टूट जाएगा, बस ये छोटा छोटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हैमर से देखिए इम्पैक्ट फोर्स लग रहा है, और इस केसिंग, ये जो आपका केसिंग है इंटरनल है, इस केसिंग और इसके बीच में जो घर्षण की वजह से जो टूटेगा, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एट्रिशन वर्क करेगा, और यहाँ से हम लोग का एक स्किन लगा हुआ रहता है। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट साइज उस स्किन से पास होने लायक हो जाएगा तो यहाँ से गिर जाएगा। जब तक इसे स्किन से डाउन नहीं होगा तब तक यहाँ पे इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों होता रहेगा। ये ओवरऑल इसका था कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग वर्किंग की बात करते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप लोग हैमर मिल देख सकते हैं, इस तरह होता है, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग वर्किंग में ये देखेंगे, ये देखिए ये आपका रोटर है, ये पूरा जो है ये आपका रोटर है, ठीक है।
इस रोटर में ये हैमर इस प्रकार कनेक्ट रहता है। ठीक, ये रोटर में देखिए हैमर कनेक्ट है, ऊपर से हम फीड डाल रहे हैं। जैसे फीड डालेंगे तो ये हैमर क्या करेगा, इस फीड के ऊपर वार करेगा, इम्पैक्ट फोर्स मतलब प्रहार करेगा। प्रहार करते ही ये फीड जो है ना आपका छोटे छोटे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका स्किन। जैसे इस स्किन से छोटा पार्टिकल्स बनेगा, इस स्किन के थ्रू वो नीचे गिर जाएगा, अर्थात यहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा। तो ये आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ये मेरे दोस्त ये वीडियो देख लीजिए। ये फीड हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं, जैसे ही फीड डाला वो देखिए हैमर के इम्पैक्ट फोर्स की मदद से वो पूरा ब्रेक हो गया। अब केसिंग में देखिए एट्रिशन की मदद से और छोटा छोटा पार्टिकल से वो टूट रहा है, और स्किन से देखिए नीचे वो गिर भी रहा है। ये था हम लोग का वर्किंग, इस तरह ये हैमर मिल आपका वर्क करता है। आई होप आप एनिमेटेड वीडियो देख के प्रॉपर समझ गए होंगे कि किस तरह एनिमेशन में हैमर मिल काम करता है। यदि हम लोग वर्किंग पे नज़र डालें तो देख सकते हैं, द मटेरियल टू बी क्रश्ड इज फीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द केसिंग, केसिंग के टॉप से हम लोग फीड को डालते हैं। द शाफ्ट इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेज द हैमर्स टू स्विंग आउट रेडियली। हैमर मिल जो है हैमर सेंट्रीफ्यूगल, अब चूंकि ये रोटेट कर रहा है एक सर्कल में तो यहाँ पे कौन फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगने वाला है ना। तो ये स्विंग करता है, हैमर भी स्विंग करते रहता है, समझे। तो हैमर के स्विंग करने से इम्पैक्ट फोर्स लगता है इसके ऊपर और ये ब्रेक हो जाता है। द मटेरियल इज बीटन बाय द हैमर्स अराउंड इनसाइड द केसिंग एंड बाय इम्पैक्ट अगेंस्ट द ब्रेकर प्लेट्स और द स्क्रीन क्रश्ड अंटिल इट इज स्मॉल इनफ टू फॉल थ्रू द स्क्रीन। ये कहने का मतलब है जैसे हम लोग फिट डालते हैं तो हैमर की मदद से बीटन, बीटन का मतलब हुआ टूटना शुरू हो जाता है। हैमर जैसे ही इम्पैक्ट फोर्स लगाता है ना फिट के ऊपर तो टूटना शुरू हो जाता है, और वो तब तक टूटते रहता है जब तक कि स्क्रीन से नीचे फॉल ना हो जाए, गिर ना जाए। हैमर मिल्स आर इम्प्लॉयड टू ग्रेन थ्रू फेब्रस सॉलिड लाइक बार्क ऑफ लेदर स्टील टर्निंग हार्ड रॉक स्टिकी क्ले ईटीसी, ये सब को तोड़ने में हैमर मिल्स का यूज किया जाता है। ये था हैमर मिल्स का वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, सारा चीज़ आप लोग समझ ही गए हैं। ओके, थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए।